हेलो एंड वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कम मार्क्स पे कैसे एडमिशन हो सकता है आपका। विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक पीडीएफ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और खुद ही आप एनालाइज कर सकते हैं। कई सारे लोग, बहुत कम मात्रा में ही लोग सही, लेकिन बहुत सारे लोग मुझ पर कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो पर आके कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर भी कमेंट करते हैं मैसेज करके कि आपका सर जो आप बताते हैं उसके हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, दो लिस्ट आ गया, एक लिस्ट आ गया। और इतने में ही वे ऐसा सोच लेते हैं कि बस एक लिस्ट दो लिस्ट आ गया, सब सीटें भर जाएंगे और उनका एडमिशन नहीं होने वाला है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि एक जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। कोई स्टूडेंट अगर एलिजिबल है चार कोर्सेज़ के लिए तो वो चार कोर्सेज़ में फॉर्म फिलअप कर देता है किसी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उसे लगता है कि किसी न किसी में तो ज़रूर एडमिशन मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का तीन चार कोर्स में उसने अप्लाई किया और उसमें से तीन कोर्सेज में हो जाए चार में से, तो मैक्सिमम क्या करेगा कि वो एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और बाकी को उसे छोड़ना होगा। और कई स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो चार पांच यूनिवर्सिटी में यही काम किए होंगे, तो वो किसी एक कोर्स के किसी एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो बाकी सीट को वो ऐसे ही छोड़ देंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि कई सारे स्टूडेंट का मार्क्स जो 300 से भी ज़्यादा है और उनका कई जगह नाम आ रहा है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? एक कैंडिडेट कई जगह तो एडमिशन ले नहीं सकता, कहीं एक ही जगह एडमिशन लेगा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जो बातें कई वीडियो में पिछले बोल रहा हूँ कि आपका अगर कम मार्क्स है, 50 से 120 के बीच मार्क्स है, 150 200 के बीच मार्क्स है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का थर्ड मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे काफ़ी कम मार्क्स पे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है, उसमें लिस्ट में नाम आया है और कई सारे स्टूडेंट उसके बाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को छोड़ देंगे और फिर भी सीटें खाली रहेंगी। और उसके बाद कुछ और पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ और लिस्ट भी जारी कर सकती है जिसमें बहुत कम मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो चलिए मैं आपको थर्ड मेरिट लिस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का दिखाता हूँ और खुद समझ लें कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, और मुझ पर विश्वास करें या ना करें आप वीडियो के अंत में निर्णय खुद ही ले पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का पीजी का थर्ड मेरिट लिस्ट यानी कि 1.3 मेरिट लिस्ट, और इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि 17 तारीख यानी कि आज तक ही आपका जो एडमिशन है वो प्रोविजनली आपको फीस जमा करना है, ऊपर लिखा हुआ है। वैसे मैं ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ, अलग अलग कारण है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखा है कि द एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट 31st, मतलब 10 अक्टूबर को आपको रिपोर्ट करना है मंडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और भी चीज़ें देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। यहाँ पे कट ऑफ अगर शुरू किया जाए तो एम फार्मा कहीं देखिए, कल जैसा कि मैं लाइव सेशन में भी आपको बता रहा था कि एम फार्मा कट ऑफ शुरुआत में हाई था लेकिन धीरे धीरे देखिए कम हो गया है, 205 से शुरू है। आप नीचे जाएंगे देखेंगे कि और कम हो गया है। EWS का कट ऑफ आपका 154 है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे इस कटअप को देखेंगे कई सारे, देखिए आप SC और ST का 110 नंबर पे भी हुआ है। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जैसे जैसे अन्य कोर्सेज के लिए मैं नीचे करूँगा, जैसे कि LLM कोर्सेज के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर भी ST का देख सकते हैं कि 79 मार्क्स पे हुआ है। उसी तरह से आप कई कैटेगरी में देखेंगे SC का 170 170, तो यहाँ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 200 के बीच में ही आते हैं। और भी मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं 147 नंबर पर ऑन रिजर्व में MA इकोनॉमिक्स में हो गया है। अब चलिए नीचे मैं दिखा रहा हूँ 145 नंबर, 144, 143। इसी तरह से आप लिस्ट चेक करेंगे ये वाला तो आपको काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिलेंगी। देखिए 103 नंबर पे EWS कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है MA इकोनॉमिक्स में। अब क्या चाहिए, ST कैटेगरी में मात्र 47 नंबर पे एडमिशन हुआ है 47 मार्क्स पे 400 में। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ वैसी हवा में बातें नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। जैसे जैसे आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आएगा, अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद स्पोर्ट राउंड, अलग अलग टाइप के मेरिट लिस्ट आएंगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि कट ऑफ काफ़ी लो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का ये थर्ड मेरिट लिस्ट है जो कि 2 दिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने जारी किया था। तो यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हैं काफ़ी लो जा रहा है। और भी आप नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि 200 से कम मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, 150 से 100 से भी कम मार्क्स पे कई सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिला हुआ है। 89 मार्क्स पे MA हिस्ट्री में एडमिशन मिला हुआ है, SC कैटेगरी के स्टूडेंट है। EWS का यही सेम कोर्स में आप देख सकते हैं, अरबाज है नाम इनका, EWS कैटेगरी 62 पे ही इनका एडमिशन हो गया। तो आपको
घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं बिल्कुल आपका कट ऑफ लो जाएगा, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से। अगर आप काउंसलिंग कराते हैं या आपने काउंसलिंग करा लिया है तो थोड़ा सा वेट करें, हर हाल में आपका एडमिशन होगा। ये मैं सिर्फ वीडियो आपको प्रूफ करने के लिए बता रहा था। अगर आप मेरे चैनल पर लगातार जुड़े रहते हैं तो मैं आपको ऑथेंटिक और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊँगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट कम मार्क्स पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए या आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए आपके मार्क्स के आधार पे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको काफ़ी ऑथेंटिक CUET से रिलेटेड अपडेट मिलेंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।